ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर कंप्यूटर्स। आज आपको बात करने वाले पोकेमोन एडवेंचर्स रेड चैप्टर को। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोग आ गए थे फ्यूशिया सिटी में, और साथ ही साथ हम लोग ने एक जिम बैज भी जीत लिया था, अपना तीसरा जिम बैज एरिका के सामने। और भाई एरिका वाला सीन तो काफ़ी अजीब था, मतलब कि हमें पहले लगा वो भी टीम रॉकेट से शामिल है, पर नहीं, वो अच्छी थी, मतलब उसने ईवी को बचाया है। और हाँ, मैंने वो कमेंट पढ़ा और मुझे पता चल गया कि मुझे ईवोल कोरल चाहिए, और तुमने फिर से भी कमेंट कर ही दिया था कि ईवोल कोरल चाहिए। तो हाँ, जो कमेंट में लिखा था कि ईवोल कोरल, क्या बोलते हैं, मुझे जहाँ पे है वो है ना एसएसानी शिप, उधर से नीचे मिलेगा। पर मैं एक बार नीचे चला गया था शाइनी साइड के लिए, शायद मैंने उसी समय ले लिया था ईवोल कोरल। तो हाँ, तो शायद से मैंने ले लिया था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो हाँ, इसको यूज़ करते हैं एक बार और ईवी पे करते हैं। मेरे को देखना है ईवी के क्या हो सकता है। ईवी, वेपोरियन, जोल्टियन, फ्लैरियन, एस्पियन, अम्ब्रियन, लीफियन, ग्लेसियन, सिल्वियन, ब्रोलियन, एरियन। ओके, तुम लोग ने मतलब सही बोला है कि इसमें ईवी के बहुत सारे एवोल्यूशंस हैं। ब्रोलियन तो आई थिंक फाइटिंग हो सकता है, एरियन फ्लाइंग, टॉक्सियन पॉइजन, एंशियन रॉक, बोल्डियन ग्राउंड, इंसेक्टियन बग, मिस्टियन, मिस्टियन क्या हो सकता है, घोस्ट, विपियन मेटालियन स्टील होगा, वैक्सियन। भाई दो तीन तो मुझे समझ ही नहीं रहे कि कौन से टाइप है। तो हाँ, पहले सबको भाई एक एक करके धीरे धीरे ट्राई करते हैं। सबसे पहले ब्रोलियन, क्योंकि बाकी पहले वाले तो तुम लोग ने देख ही चुका है। तो हाँ, पहले ये सबको देखते हैं। ओके, देखते कैसा है। वैसे ये फैन मेड ही डिज़ाइंस है, तो हाँ देखते तब भी कैसा होगा। और ये रहा ब्रोलियन। ओ, ये डार्क है कि फाइटिंग, पर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ब्रोलियन। ओके, और टाइपिंग भी मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सी है। आई थिंक तो फाइटिंग ही होगी, या डार्क हो सकता है। हाँ फाइटिंग है, लगा ही था मुझे, पर अच्छा लग रहा है भाई। और करते हैं भाई थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारे एवोल्यूशन है। तो हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखाएंगे। और दूसरा ब्रोलियन हो गया। एरियन तो पक्के से फ्लाइंग टाइप है, हाँ फ्लाइंग टाइप ही है, और ये भी अच्छा लग रहा है। ओके, एक बार देख लूँ, फ्लाइंग टाइप ही है ना, हाँ है, सही बोला मैंने। देख रहे हो भाई, तुम्हारा भाई जो बोलता है एकदम सही बोलता है। और देखते दूसरे, टॉक्सियन तो पॉइजन है। ये थोड़ा मतलब ग्लेशियन को मिक्स किया है ऐसा लग रहा है, पर अच्छा लग रहा है तब भी, थोड़ा अच्छा लग रहा है पॉइजन टाइप के हिसाब से। वैसे इधर से ऐसे देखने में लग रहा है कि ईवी है, पर हाँ ठीक है, चलो ईवोल कोरल को एक और बार यूज़ कर सकते हैं। और इस बार करेंगे हम लोग एंशियन। एंशियन मतलब एंशियंट पोकेमोन है, तो मतलब रॉक या ग्राउंड ही होगा, तो रॉक ही होगा प्रॉबेबली मेरे हिसाब से। तो अरे ग्राउंड है, व्हाट, मैं सोचा कि रॉक होगा। हाँ पर एंशियंट है ना, तो हाँ सही है। बोल्डियन मतलब ग्राउंड है, मतलब रॉक है वो बोल्डियन। ओके, ओ भाई ये थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब इन लोग कुछ ज़्यादा ही रॉक टाइप का करने लगे, पर हाँ ये इतना भी कुछ खास नहीं लगा सही में, पर ठीक है। अभी ये तो रॉक ही है पक्के से, तो मैं ज़्यादा देखूँगा नहीं। और क्या है इसके पास, इंसेक्टियन बग, तो देखते बग टाइप कैसा लगेगा। ओ बग टाइप काफ़ी प्यारा लग रहा है एक्चुअली, और अच्छा भी लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ईवी को ही मतलब थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया है बग टाइप में। तो हाँ अच्छा लग रहा है ये भी। और अब देखते हैं क्या है इंसेक्टियन के बाद क्या है। हाँ मिस्टियन, मुझे जानना है कि यह है कौन सा। ओ ये भी ईवी जैसा ही लग रहा है, पर पीछे पूंछ है, ड्रैगन है क्या। एक सेकंड मैं देखूँ एक बार, ड्रैगन लग रहा है भाई मुझे, हाँ ड्रैगन है, नाइस यार, काफ़ी क्यूट सा ड्रैगन है, ये भी अच्छा लगा। पर मुझे तुम लोग बताना कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगा इवोल्यूशन का, मतलब न्यू वाले में बताना, बाकी पुराने वाले तो पता ही है अच्छे लगते ही हैं, पर न्यू वाले में बताओ
यार वैसे ईवी के आने चाहिए यार, ये सब भी रियल वाले पता नहीं क्या कर रहे यार पोकेमोन वाले। ओ डैम, लाइक डैम बॉयस, क्या ही कूल लग रहा है ये गोस्ट टाइप है ना, बहुत सही लग रहा है भाई, मज़ा आ गया। ये बहुत अच्छा है, मुझे मज़ा आ गया देख के, काफ़ी लग रहा है भाई स्कैरी सा। ओके चलो अब कौन बचा, दो और बचे, मेटालियन देख लेते एक बार। मेटालियन, ओके ओके इतना नहीं है ज़्यादा कुछ खास पर ठीक है। और ये क्या है, वैक्सियन, वैक्सियन भी मुझे पॉइजन लग रहा है, पर दो पॉइजन कैसे ही होंगे। ओके कॉन्ग्रेचुलेशन, व्हाट, ये तो नॉर्मल ही लग रहा है, एक सेकेंड। ओ अच्छा नॉर्मल ही है, पर मैं अब समझा, मतलब इन लोग शायद ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि अगर ईवी का इवोल्यूशन नहीं होता, जैसे मतलब इतने ढेरे, अगर बस एक ही इवोल्यूशन होता तो ये हो सकता है, तो हाँ आई थिंक ये हो सकता है। सही है सही है। तो क्या कर रहे हैं भाई ये लोग, अब थोड़ा उसको वही में रहने देते और थोड़ा इनसे बातें करते हैं। काइल स्टैन नीडोरैन इज वीक, वाह काइल विक्टर बेल एट माई नीडोरैन, वाह व्हाट, विक्टर बेल ने, अरे हाँ विक्टर बेल की बात तो हो रही थी पिछले एपिसोड में सफारी जोन तरफ, तो देखना पड़ेगा यार विक्टर बेल को। एलान देर इज नो पॉइंट गोइंग टू द सफारी जोन एनी मोर, यू ऑल राइट, ओ आई एम सॉरी सॉरी, आई एम जस्ट बोर्डिंग अबाउट द सफारी जोन, यू न्यू बिफोर एन इडियट ब्रॉट इन द विक्टर बेल, देर यूज टू बी टोटल पोकेमोन दैट लिव इन द लेक इन द सफारी जोन, द विक्टर बेल एट ऑल ऑफ देम एंड नाउ दे बिकेम एक्सटिंक्ट, ओ आई यूज टू गो टू द सफारी जोन एंड फीड द टर्टल्स दिस फूड, देर इज नो पॉइंट फॉर मी इन होल्डिंग ऑन टू दिस एनी मोर, हेयर यू कैन हैव इट, ऑब्टेन द फिश फूड, ओके फिश फूड मिल गया, बोनस चैप्टर एंशियंट टर्टल, ओके एंशियंट टर्टल, कौन सा हो सकता है एंशियंट टर्टल भाई, लू रेजिडेंस, ये लू कौन है भाई, आई थिंक ना एंशियंट वो यूनोवा का एक है ना एंशियंट पोकेमोन, मतलब फॉसिल पोकेमोन कोई तो था, ये या नाम याद नहीं आ रहा उसका, पर उसके साथ एक और एंशियंट पोकेमोन था आर्कियोप्स, आर्कियोप्स तो मुझे पता है पर एक और था वो उसका नाम याद नहीं है, टर्टल जैसा ही दिखता था वो, शायद उसकी बात हो रही होगी। बट आई एम द मूव डिलीट, अरे भाई मूव नहीं डिलीट करना, हमारे सब मूव्स अच्छे खासे, और आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। द पोकमॉन इज न्यू आइलैंड आर रेगुलसली स्ट्रॉन्ग, द वियर्ड इज वंस आई सॉ स्ट्रेंज पोकमॉन देयर, ओके कौन सा न्यू आइलैंड भाई, देखना पड़ेगा। लैम्बर्ट द द द पोकेमोन वॉर डैट डैट वॉजेंट अ पोकेमोन, वट द पोकमॉन, पोकमॉन वॉर जिसमें पोकमॉन ही नहीं है, वाह। रैचल माई डैड वॉज अ सोल्जर ड्यूरिंग द पोकमॉन वॉर, ही इज बीन सफरिंग फ्रॉम पास्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सिंस ही केम बैक फ्रॉम द वॉर, ओके शायद ये थोड़ा होंगे सदमे में इसलिए ये कुछ भी बोल रहे हैं, पर ठीक है। तो हाँ मैं बोल रहा था आज की वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि यार आज बड़ी लॉन्ग वीडियो देख लो, ओ इधर कुछ है ही नहीं, आई थिंक इधर कुछ तो हो सकता है चैप्टर, तो हाँ क्योंकि अब से वीडियो मतलब कि नहीं आएगी, मतलब क्विट नहीं कर रहा हूँ भाई, कौन अफवाह फैला रहा है भाई मैं क्विट कर रहा हूँ, नहीं भाई क्विट नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़े टाइम के लिए मेरी एग्ज़ाम्स चल रहे तो समझ सकते हो भाई, एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं चला सकता खेल सकता, तो हाँ कुछ टाइम के लिए थोड़ा सहल हो कि नहीं आएगी वीडियोस, पर कोई ना भाई बाद में आएगी ज़रूर से वीडियो, मैं तुम्हें बता दूंगा कब डालूंगा। स्किप आई लव स्विमिंग बट डैडी लव्स फिशिंग इंस्टेड, रिचार्ड आई इंजॉय टेकिंग माई डॉटर आउट टू स्विम बट द ट्रूथ इज़ आई डोंट रियली लाइक स्विमिंग आई लव फिशिंग मोर, ओके वैसे इसका नाम राचड़ था, मैंने राचड़ बहुत बार सुन चुका है ऐसा लग रहा है, अरे ये तो शॉर्टकट मिल गया, ओ व्हाट अचानक से सुबह हो गई, ये क्या ग्लिच था भाई, ए व्हाट ये क्या ग्लिच है, अब सही हुआ। मार्था यो हो यू वांट समथिंग, अरे मार्था तो हमेशा सोया रहता था अब क्या हो गया, वेल यू एंट गेटिंग एनी थिंग, वेट अ सेकंड आरंट यू द ओल्ड मैन हु इज़ कॉन्स्टेंटली इन माई वे, आई एम सिक्स एंड आई नो इट, अरे भाई ये बंदा अजीब ही है भाई, अजीबों का भी अजीब है भाई, महा अजीब समझ सकते हो, ये महा अजीब है।
अरे इससे तो मैंने अभी बात की। तो बोनस चैप्टर दिया तो है, सफारी जोन में जाना है हमें लगता ही। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं सफारी जोन में, लेकिन उससे पहले थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। आज की वीडियो तो मस्त चूस चूस के बड़ी वीडियो डालूंगा। वो विक्टरबेल इधर ही है, इन द जंगल। विक्टरबेल वुड कॉमो फ्लैग अमंग्स द ट्री एंड वेट फॉर अनसस्पेक्टिंग प्रे। विक्टरबेल भी का कुछ चैप्टर हो सकता है मेरे हिसाब से। तो मुझे बहुत ही मतलब कि है कि मुझे देखना है कि क्या होगा लासो। अरे इससे तो अभी शायद बात किया ना। कैन यू इमेजिन हैव बीटा पेटा वुड बी लाइक। नहीं, इससे नहीं बात किया था। पुकमॉन डाटा ठीक है, ज़्यादा कुछ खास बात किया भी नहीं। इधर पुकमॉन्स है यार, मेरे को पुकमॉन्स भी देख लूँ, कुछ अच्छी टिप्स मिल जाती है। कैंगसान इज़ अ मार्सुपियल, दे कैरी दे आर यंग इन दे आर पाउच। ऑल कैंगस खान आर फीमेल, रिसर्चर हैव येट टू फाइंड अ मेल कैंगस खान। हाँ एक्चुअली मतलब कि पाउच में जो लेके घूमते अपने बच्चे को वो फीमेल होती है, पर हाँ ये भी तो है कि मेल कहाँ है। और ये क्या हुआ? अरे भाई अंडा, ओ हाँ मेरे पास अंडा भी तो था। और हाँ शायद तुमने बता दिया था कि इसमें से ड्रेटिनी मिलेगा। ओके भाई, ड्रेटिनी नहीं रखेंगे यार, बस ऐसे ही मिल गया। थोड़ा और देखते हैं। डिगलेट्स आर एसेंशियल टू एनवायरनमेंट डे प्लान। ठीक है, तो यार मुझे जानना है यार मेल वाला कब आएगा भाई, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी ना फीमेल्स ही रहेंगे, मेल भी तो चाहिए। वेन किंग जैसे नीडो किंग। ओके क्या भाई, आगे का वर्ड मैं नहीं बोल सकता। द फेरोमोन इज सिमिलर टू द सेंट ऑफ पिज्ज़ा। देयर वॉज एन इंसिडेंट ऑफ मैन ईटिंग अ पिज्ज़ा नेक्स्ट टू नीडो किंग, इट डिड नॉट एंड वेल फॉर द मैन। ओ भाई, नीडो किंग के बगल में पिज्ज़ा खाता है, ऐसा ही होगा। एक द स्नो लैक्स इज सो क्यूट, आई वॉन्ट टू क्लाइंब ऑन टॉप ऑफ इट एंड जिगल इट्स। काफ़ी अजीब से शौक है। आफ्टर इट इट्स इट वुड गो इन टू अ डीप स्लमर, इट ओनली वेक अप इफ इट्स हंग्री। ठीक है, ये सब तो पता ही है हमें भाई। अब तो मेरा पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, कितना पढ़ूँ भाई। हो गया भाई, नहीं पढ़ना, अब जा रहा हूँ सफारी जोन में। अरे भाई इधर कितना बड़ा सिटी है यार, इधर ही मेरे घूमने में वीडियो बड़ी हो जाएगी। हैव यू चेक आउट द सफारी जोन येट? इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और दादी अम्मा क्या कर रही हो? मिनी फुशिया सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ सफारी, यू नो? नो आई डोंट नो। अरे भाई हाँ, तुमने बताया था कि ये सब चीज़ों के लिए, ये सब पोकेबॉल्स लेने के लिए हमें चीट कोड्स डालने पड़ते, पर मत डालना चीट कोड्स, नहीं तो गेम क्रैश हो जाएगा। तो हाँ थैंक यू बताने के लिए। शुगर स्टीव वेर आर यू? यू सेड यू विल कम बैक होम। वेर आर यू स्टीव? वाई आरंट यू आंसरिंग योर फोन स्टीव? कौन स्टीव? वाई फॉक्सी, यू सी द लेडी ओवर देर, हर नेम इज शुगर। एवर सिंस हर सन वेंट ऑन हॉलीडे शी इज बीन हियर क्राइंग एंड स्लगिंग ऑफ हर। कौन है भाई? स्टीव है कौन? स्टीव रॉजर, कप्तान अमरीका। फ्यूचर सिटी लाइब्रेरी, ओके लाइब्रेरी भी है फ्यूचर सिटी में। ओ डैम काफ़ी बड़ी है। बातें करने में टाइम लग जाएगा, पर चलो बातें करते हैं। थॉमस हेलो, टेक अ लुक एट दिस लाइब्रेरी, वी हैव बुक्स ऑन एवरी पोकेमॉन दैट एग्जिस्ट इन द सफारी जोन। ओके सिनामोन, आई मिस माई ब्रदर, आई हैवेंट सीन हिम इन अ लॉन्ग टाइम, हिज नेम इज स्टीव, ही वुड बी बैक बाय नाउ, आई वंडर वॉट हैपन टू हिम। स्टीव कौन भाई? स्टीव मुझे जानना है कौन भाई ये स्टीव। द स्मॉल लाइब्रेरी वॉज बिल्ड बाय द सफारी जोन वार्डन। अरे हाँ वार्डन का है भाई, वार्डन नहीं दिख रहा। हार्कन, सॉरी बट आई कॉन्ट टॉक राइट नाउ, आई हैव टू क्लीन द डस्ट ऑफ द बुक्स। कर कर भाई। ट्रेटिनी वर रिसेंटली स्पॉटेड इन द देवर इनक्रेडिबली रेयर। हाँ मुझे पता है कि पोकेमॉन फायर रेड में भी ट्रेटिनी मिलती थी आई थिंक, हालांकि मैंने कभी पकड़ा नहीं उसे। नहीं पकड़ा था जब मैं पहले खेलता था ना, मतलब वीडियोस नहीं बनाता था तब मैं खेला था। आई यूज़ टू वर्क इन द सवारी जोन एज अ रेंजर, आई गॉट फायर्ड बिकॉज आई एक्सीडेंटली रिलीज माई बेल स्प्राउट इन टू द सफारी जोन। द बेल स्प्राउट इवॉल्व इन टू अ विक्टर बेल एंड एट Nearly all the Pokemon there, one water turtle Pokemon has become extinct because of me. तो मतलब ये वही लड़की है, इसकी वजह से ही हुआ ये सब, सब कारनामे यही लड़की ने किए। ओके इफ अ जिम लीडर्स डाइज
goes missing on Relicus, their title, the title is then transferred to their firstborn child. If the firstborn child declined the title, then it would be given to anyone who takes the gym leader exam. Okay, काफ़ी अच्छा ज्ञान मिल रहा है भाई जिम लीडर का भी तो। हाँ ठीक है, डिपॉजिट कर लेते हैं पहले ड्रेटिनी को, क्योंकि इसका कोई भी हमारी स्टोरी से लेना देना है नहीं, तो भाई मतलब का इसको मैं रखूँगा भी नहीं, क्या पता कोई आगे पोकेमॉन मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। और इधर कुछ नहीं है, अरे खाली है बस, नर्स जॉय है, नर्स जॉय की बहनें हैं। तो हाँ चलो भाई, पूरा भाई मैं 15 मिनट इसी में निकाल दिया और अब तक मैं गया भी नहीं हूँ अंदर भाई। क्या, अरे लास्लो तो अभी बात किया ना मैं, हाँ कितना बात करूँगा एक ही बंदे से, 3-4 बार बात कर रहा हूँ मैं। वो लैप्रेस कितना तेज़ी में है भाई। हाँ क्या लिखा है, लैप्रेस इज़ बिलीव टू हैव लिव्ड सिंस द डायनासोर इज एज। ओह हाँ हो सकता है, आरबॉक, आरबॉक वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द ऑरेंज आर्किपेलागो, दे वर द देन इंट्रोड्यूस्ड टू द कैंटो रीजन ड्यूरिंग द पोकेमॉन वॉर टू गेट रिड ऑफ द ओवर बाउंडेंस ऑफ राटाटा। भाई मुझे जानना है ये पोकेमॉन वॉर का। मियाँ मम्मी आई वॉन्ट एन आरबॉक फॉर माई बर्थ डे प्रेजेंट। भाई आरबॉक तेरे को खा जाएगा। गेम्मा, वो स्वीटी रियली एन आरबॉक रियली। भाई आरबॉक तेरे को खा जाएगा, तू केक पहले खाएगी, आरबॉक तेरा केक बना के खा जाएगा। ठीक है यार, बहुत टाइम पास मैं लिटरली कर चुका, अब मैं चलता हूँ सफारी जोन में। मोए, देर आर A lot of exotic Pokemon here in the Safari Zone. Welcome to the Safari Zone. Articut or the zone. Would you like? ले लेते हैं भाई। चलो अब चलते हैं हम लोग। अब मैं बताओ, इस टाइम पे तो मैं वीडियो एंड कर देता हूँ इतने, और अब मैं जा रहा हूँ सफारी जोन में। कोई ना यार, आज की वीडियो मैंने बोला ना लॉन्ग से लॉन्ग बनाएंगे। और तू कौन है बे? वाह, हेलो, डू यू वॉन्ट टू ट्रैवल ऑन बोर्ड द PG एक्सप्रेस? अभी के लिए रुक जा भाई, थोड़ा मैं देख लूँ भाई, एक्सप्लोर करने दो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे भाई, क्योंकि वैसे ही वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। इधर आई डोंट थिंक कोई बैटल करेगा, वो एग्जीक्यूट है। पर एक सेकंड, मेरे पोकेमॉन्स इन्होंने लिए नहीं, क्योंकि पोकेमॉन्स ले जाना तो अलाउड नहीं होता ना। हाँ आई सॉ चैंसी अर्लियर, वेयर डिड इट गो, वेयर डिड इट गो? दौड़ दौड़ भाई, घास में दौड़ना भाई, उधर कहाँ दौड़ रहा है, अजीब ही बंदा है। पीपी अब भी मिल गया। अरे भाई रात हो गई, ठीक है। इधर कुछ है क्या, ऐसा लग रहा है ना, कुछ नहीं है। को इधर घर है थोड़े, तो एक्सप्लोर करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ पोकेमॉन इज़ स्ट्रॉन्ग डजेंट मीन इट वर्क वेल। थोड़ा स्लो ही कर देते हैं भाई। विद द पोकेमॉन यू हैव, ईच पोकेमॉन वर्क्स बेटर इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ डस्टिन। अरे डस्टिन तो नाम सुना लग रहा है। मस्ट आई यू इवॉल्व इन टू अ स्टामी विथ अ वाटर स्टोन, हाउ कूल इज़ दैट? हाँ हाँ कूल तो है। शॉन, आई डोंट वॉन्ट टू लीव दिस सफारी हाउस, इट्स टू स्कैरी आउटसाइड, आई वॉज चेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ विक्ट्री बेल्स अ व्हाइल अगो, आई बैरली एस्केप्ड। विक्ट्री बेल का क्या है भाई, मुझे जानना है। विक्ट्री बेल का काफ़ी लॉन्ग हो सकता है, तो आज ही करेंगे भले ही 40 मिनट की वीडियो ही बन जाए। मालिक, हेलो, अरे ये मालिक है। दिस इज़ द सफारी जोन सेव हाउस, ट्रेनर्स कम्स हियर टू रेस्ट। ओके, पर कोई दिख तो रहा नहीं है। और ये लोग क्या कर रहे हैं कोने में? सांजी, एक आई थॉट वी आर द ओनली वन हियर। जोरो, जोरो, हाँ आई थॉट नो वन वुड सी अस हियर। ओ ओके, मतलब कि मेरे को इनकी बातें समझी नहीं, पर ये इससे मैं समझ गया सांजी और जोरो से कि ये लोग वन पीस का रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि मैं हाल ही में वन पीस देख रहा हूँ। अभी तक 70 एपिसोड्स देख चुका हूँ, तो हाँ काफ़ी फन है, तुम लोग भी देखो। और ये पोकेबॉल तो ले ही नहीं सकते, वैसे अभी 70 में ही हूँ एपिसोड में, और वन पीस का तुम्हें पता ही होगा कि बहुत है भाई। किन किन ने वन पीस का पूरा ख़त्म किया है भाई, कमेंट्स में ज़रूर से बताना, मेरे को भी जानना है भाई कौन वन पीस देखा है 1000 एपिसोड्स। रिबीटा, हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिबीटा live in the safari zone today on pokemon haiku, we have a special guest, everyone say hello to nurse joy. Hello everyone, thank you for having me here. Ribita, Rita reporter suna tha Ribita kya hai? Oh, it's a pleasure. Now is it true that this place
has a lot of different weird and exotic Pokemon that can't be found in other area of Kanto. That is correct, Ribita. ओ भाई जानना पड़ेगा भाई, मुझे देखना है भाई कौन से पोकेमॉन्स मिल रहे, फिर हम भी पकड़ेंगे। और इधर कहाँ जा रहा हूँ मैं अभी पता नहीं, पर ठीक है एक्सप्लोर करते हैं, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। ओ इधर तो रॉक स्मैश चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है भाई। कितना बड़ा घर है, मैं तो भूल जाऊँगा भाई सही में। इधर कुछ है, डैनियल दैट गाय ग्रिफिन इज सुपर अनोइंग विथ हिज सिंगिंग, इट मेक्स मी वॉन्ट जस्ट टू रन आउट एंड गेट ईटन बाई द विक्ट्री बेल्स। कौन है भाई ग्रिफिन, ये है क्या? माई हैंड्स आर शेकिंग कोल्ड, दिस हैंड्स आर मीन टू होल्ड। वो गाना है क्या? मैं भी गाने की तरह गाता हूँ। माई हैंड्स आर शेकिंग कोल्ड, दिस हैंड्स आर मीन टू होल्ड। काफ़ी फालतू गाना था वैसे इसका। अच्छा ये शायद इनका जियान होगा भाई। लॉरिटा आई एम ट्राइंग टू कैच अ चैंसी बट आई कुडेंट फाइंड वन एनीवेयर। अच्छा तो घर में कहाँ कोने में छुप के रहता है भाई चैंसी? कौन सी, इलॉन मस्क के इधर से आई है क्या भाई? चैंसी उधर दौड़ रही है, घर में दौड़ रही है, बाहर दौड़ेगी तब मिलेगा ना। अजीब बंदे भाई अजीब। तो हाँ चलो इधर भी चलते हैं। अरे भाई पोकेमॉन आ गया, कौन सा आ गया? रायहॉर्न। ना भाई रायहॉर्न नहीं चाहिए अपने को। इधर कुछ है, ओ ऑफिसर जेनी है, तो देखते क्या है। हेनरी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, सेवरल पीपल हैव बीन रिपोर्टेड मिसिंग इन दिस सेक्टर ऑफ दिस सफारी जोन, डू यू थिंक द विक्ट्री वेल्स आर रिस्पॉन्सिबल? इट्स अ पॉसिबिलिटी बाय फ्रेंड, नर्स जॉय वंस वेंट ऑन अ वेकेशन टू द सिलेवन जंगल एंड रैन इन टू अ विक्ट्री बेल। वट हैपन टू हर? शी डाइड। वॉट? ओके नर्स जॉय डाइड। नहीं यार मेरी नर्स जॉय, वैसे कोई ना नर्स जॉय तो बहुत सारी होती है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। क्या बोल रहा हूँ भाई, कोई ना भाई, रेस्ट इन पीस भाई नर्स जॉय। और इधर वॉट, इतना लंबा रास्ता बनाया, कम से कम एक पोकेबॉल तो दे देते। कुछ भी नहीं दिया, मैं इधर फालतू में ही आ गया। तो हाँ वो उधर वो एक था ना जो बोल रहा था हमें कहीं तो घुमाने का, तो उसके पास मैं चलता हूँ सीधा। अरे वैसे मैं इधर भी नहीं आया था, ये कौन है लड़की? बैटल तो नहीं करेंगे? नहीं वैसे बैटल क्यों ही करेंगे ना, सफारी जोन में कोई बैटल नहीं करता। कर्मा हेलो, आई हैव अ सिंगल एग्जीक्यूट हियर, इट्स सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ग्रुप। यूजुअली व्हेन एन एग्जीक्यूट गेट्स सेपरेटेड इट यूज इट्स साइकिक बॉन्ड टू ग्रुप अप विथ वन अनदर अगेन, बट सैडली दिस लिटिल गाय डजंट सीम टू हैव एनी साइकिक पावर, सो कैन यू टेक केयर ऑफ इट? Awesome, all right, little guy, say hello to your new trainer, he's gonna take care of you now. भाई मुझे समझा नहीं, एक एग्जीक्यूटर क्या बोल रहा हूँ मैं, एग्जीक्यूट ओ ओके सॉफ्ट बॉलिड क्या होता है भाई पता नहीं। अरे मेरे को उसको सिखाना नहीं है, समरी देखो। ओ भाई पर काफ़ी सैड भी है भाई, जैसे कैंगस्केड था ना अपनी मॉम को छोड़ के, मतलब कि भटक गया था रास्ता, वैसे इसके साथ भी। और 40 लेवल का है भाई, ये इवॉल्व किस में होगा मुझे जानना है, पर ठीक है भाई जानेंगे भाई कभी ना कभी। फिलहाल तो भाई थोड़े बातें कर लेते हैं और गो अवे, आई एम ट्राइंग टू पी हियर। अरे भाई भाई इधर देश में ऐसे कहीं भी मूतोगे अच्छी बात नहीं है, जाओ शौचालय में। वाटर स्टोन मिल गया, नाइस। अरे चामी की बात चल रही थी और वाटर स्टोन मिल गया, नाइस भाई, नाइस नाइस। और हाँ ये रहा ना बंदा, तो आओ जाओ अब देखते क्या बोलता है। भूबा हेलो, डू यू वॉन्ट टू ट्रैवल ऑन बोर्ड द पीजी एक्सप्रेस? ओके स्टेप राइट अप टू द राफ्ट, रिमेंबर नॉट टू कैच एनी पोकेमॉन व्हाइल यू आर ऑन द पीजी एक्सप्रेस, द पोकेमॉन हियर इन द सफारी जोन कैन गेट वेरी वॉयलेंट इफ डिस्टर्ब्ड। पीजी बॉट हाय, पीजी बॉट वन हाय, आई एम पीजी बॉट वन, पीजी बॉट टू हाय, आई एम पीजी बॉट टू, वेलकम टू द फुशिया सिटी सफारी जोन। भाई ये पीजी बॉट है, बोनस चैप्टर सफारी जोन। ओ अब एक और बोनस चैप्टर शुरू हो गया भाई, पहले तो मैंने पहले वाला ही बोनस चैप्टर ख़त्म नहीं किया, अभी दूसरा भी आ गया। वो वाइल्ड प्लूम्स, वैसे वाइल्ड प्लूम्स तो मैं उधर से भी देख लिया था। ओ पॉली रैट है, वो लैप्रेस आ गया, हेलो लैप्रेस, ऑसम, वॉज दैट अ लैप्रेस? पॉली रैट, ऑसम पॉली रैट्स। ये क्या था अभी, हम लोग इधर क्या? अच्छा थोड़ी देर शायद रुके होंगे, थोड़ा ठहर रहे होंगे, कोई ना अभी कहाँ जा रहे हैं? ओ नीडो किंग और नीडो क्वीन,
दिस मस्ट बी योर लकी डे सर, इट्स ओनली हियर इन द सफारी जोन बैट यू कैन विटनेस टू वाइल्ड नीडो किंग बैटलिंग ईच अदर फॉर अ नीडो क्वींस अफेक्शन। वो भाई प्यार का चक्कर, वो भाई लड़ रहे एक। आई डिडेंट नो अ नीडो किंग इज दैट बिग, इट्स गोना बी अ ग्रेट एडिशन टू माई टीम। ओ गुड, डोंट टेल मी भाई रेड, तू कितना डम्ब है कि रेड, उसने बोला था कि कोई भी पोकेमॉन कैच मत करने, पर तूने क्यों रेड, कम ऑन भाई, भाई रेड भाई क्या करता है भाई, पकड़ लिया एक नीड़ो, वो भी पकड़ा तो पकड़ा नीड़ो को, इनको पकड़ा भाई नहीं भाई कुछ नहीं बोलना भाई रेड, तूने अपना दिखा दिया कि भाई तेरे पास बहुत दिमाग है। Oops, it's landed to on the Nido Queen instead. What are you doing? अरे भाई उसने तो पानी में फेंक दिया उसे। We need to get out of here quick. Distract them. Pidgeybot too. Affirmative. ओ भाई Pidgeybot too. अरे Pidgeybot का क्या कर दिया इसने? भाई रेड क्या डम्ब हरकतें किया है भाई इसने। Wake up. Mom. Wake up! Eric! Alright, you're done it now. Do you see what's happened when you break the rules? I'm sorry. We have to walk our way to the exit. Walk instead is a better idea to just wait for the rescue team to come. Great idea. Expect the Nido King that you angered are out of kill you. Not to mention the victory bell. The what? Don't worry about that. The wild Pokemon here are incredibly territorial. Get out of here before they caught you. Okay, भाई रेड तूने क्या ही डम्ब हरकत किया। अरे वैसे मुझे ये रास्ता पता है, इधर से ही तो मैं अभी आया था, मतलब ये सबसे टॉप वाला है ना रास्ता। हाँ ये वही तो है। ओके इधर तो मैं आ चुका हूँ, तो अभी अरे एक सेकेंड, वॉट ये ऊपर भी कुछ रास्ता है? नहीं ऊपर रास्ता नहीं है, बस वो ऐसे ही है। तो हाँ चलो भाई, Pidgeybot 2 के लिए बुरा लग रहा है भाई। हाँ आई नीडो किंग आ गया है। Pidgeybot आई नीड टू सेव इट। अरे भाई तेरे पास पोकेमॉन नहीं है क्या? पोकेमॉन फेंकना, हरी अप, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। पहले तो नीडो किंग को इसको बहुत पकड़ना था, अब नहीं फेंक रहा बॉल भाई, क्या बनता है। ऑलराइट आई थिंक वी आर लॉस्ट हिम, डू यू अंडरस्टैंड द डेंजर नाउ? दिस इज द सफारी जोन, यू वर लकी दिस टाइम, बट दैट नीडो किंग हैज़ मार्क्ड यू एज एन एनिमी। योर विंग्स, Do they hurt? What? Forget about me. I am a robot. I am programmed to see that our guest reaches the exit safely. The damage is nothing. It's your own safety. You should be worrying about. Come on, let's just keep moving. यार रोबोट भी हो तो क्या हुआ भाई, सब में दिल होता है, तो भाई थोड़ा तो बुरा लगता है। अरे ये तो वही रास्ता है, इधर ऑफिसर जेनी थी, वो लोग कहाँ चले गए? It's raining. Rain? Oh no, it's rain. Hurry up. There's a safe house up ahead. Start running there now. What happening? You thought the Nido King was bad? This sector is even worse and the rain isn't making the situations any better. But why? Because of Victory Bell. Oh damn, khatam bhai, khatam hum log. Huh? Quick run. अरे भाई कुछ ज़्यादा ही विक्ट्री बेल नहीं। भाई विक्ट्री बेल अब मेरा कबाब बना के खा लेंगे भाई। वेक अप, वेयर एम आई? वी आर राइट इन द मिडल ऑफ विक्ट्री बेल्स इवोल्यूशन रिचुअल, विल बी द डाइजेस्टेड टू कंप्लीट द रिचुअल। रिचुअल डाइजेस्टेड एज ईटन, दैट्स वाई यू वांट ईटन ऑन द स्पॉट अर्लियर। सो आई एम द nourishment they need to evolve. Yeah, and it's going to be slow and painful too. I found the liquefied remains of a male officer here. Yeah, oh no way, I don't want to be a part of this ritual. Oh bhai, hello Victory Bell, kaise ho? Vipin Bell, Victory Bell, are bhai red tune ek galti kar di uski wajah se main bhi marunga bhai. Pidgeybot bichare ko phasa diya tune red, kya yaar Pidgeybot के लिए कितना बुरा लग रहा है मुझे Pidgeybot 2 के लिए। और ये Pidgeybot 1 कितना अच्छा है। और अरे हम लोग आ भी गए, वॉट ये तो वही है ना। बुआ यू आर सेफ, वेल डन Pidgeybot,
Thanks, Warden. All right, hurry up and come in. This house is a safe. अरे नहीं, ये कहाँ से आ गया? अर फाइट बैक, विक्टर वेल मे बी डेंजरस बट इट्स स्टिल जस्ट अ पोकेमोन. ओके चलो, हाँ पोकेमोन तो है ही, तो मतलब इससे फाइट तो करनी पड़ेगी. अरे भाई ये कौन से पोकेमोन से मैं फाइट करूँगा? एक तो मेरे पास फायर टाइप पोकेमोन नहीं है. अरे हाँ, मैं ईवी को फ्लेरियन में इवॉल्व कर दूँ तो सही रहेगा मेरे लिए, कि उसके पास फायर टाइप मूव्स रहेगा. ओके आई थिंक ये आइडिया काफ़ी सही है. फ्यू डेट फॉर्स क्लोज वॉट नो डोंट टेल मी अभी ये भी आ गया भाई, जब ये हमारी बैंड बजाएगा. इट्स द सेम नीडो किंग फ्रॉम बिफोर, दिस टाइम आई एम रेडी फॉर इट. ओके अब दिखाना पड़ेगा भाई. अरे भाई गलती से पकड़ लिया था भाई, इतना क्या गुस्से में हो रहा है, पर कोई ना. अरे ये तो रॉक टाइप होता है ना, ग्राउंड टाइप, इस पर ये असर थोड़ी ना करेगा. इसके लिए आईवी सॉर निकालो और सोलर बीम मारो. अरे भाई कुछ ज़्यादा ही कम डैमेज हो. नहीं यार भाई, मेरे को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने पोकेमॉन्स को, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा. मेरा बस पॉलीरैटी है अच्छी लेवल में इसका, पर मेरे को और भी पोकेमॉन्स को लेवल अप करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ होगी बहुत. डैट वॉज इम्प्रेसिव बॉय, आई हैव नेवर सीन एनी वन स्ट्रॉन्ग इनफ टू बीट अ विक्टर वेल एंड देन अ नीडो किंग. सॉरी. All right, it's appear you can handle yourself quite well. I am going to allow you to tour this safari zone without any supervision. Good luck. अरे यार PG bot. End of safari zone bonus chapter. Okay, bonus chapter तो ख़त्म हो गया, पर यार कितना सही था ना PG bot 1. Booba. Ever since once of our workers accidentally released her two weapon belts here in the safari zone, they have spread and ruined the ecosystem here in the safari zone. We are doing everything we can to control the victorybell's population. एक तो वो लड़की जो पोकेमॉन सेंटर में थी, और एक कौन है जिसने victorybell छोड़ा, या तो वही लड़की ने दो victorybell छोड़ दिए, हो सकता है. Levi, Nido King is the male equivalent of Nido Queen. हाँ पता है भाई. Felix, अरे Felix मेरे सर का नाम था. Life is so unfair to me. Why? I am sad and angry over every little things. हाँ ये तो सबके साथ हो रहा है भाई, मैं भी कभी कभी हो जाता हूँ यार, थोड़ा गुस्सा आ जाता है, पर ठीक है यार कोई ना. और वैसे इधर रास्ता नहीं है क्या? ओके नहीं है इधर कुछ रास्ता. और हाँ वो एंशिएंट पोकेमॉन का क्या करूँ मैं, कहाँ से रास्ता है? एंशिएंट पोकेमॉन मुझे देखना तो है, पर कहाँ से देखूँ मैं? इधर मैं पूरा तो एक्सप्लोर कर लिया था ना सफारी जोन, मुझे कहीं दिखा तो नहीं वो जगह. ओ इधर मैं आया था, हाँ आया था ना आई थिंक. अरे हाँ ये मैंने ट्री नहीं कट किया था. ओके आई थिंक ये कहीं मैं अलग जगह जा रहा हूँ आई गेस. हाँ इधर कहीं तो मैं आ गया हूँ, पता नहीं कौन सी जगह. और भाई ये क्या है? ओके ओ नहीं, विक्टर बेल फिर आ गया. अब विक्टरीबल नहीं भाई, अब गड़बड़ है भाई. अब वो मेरा डिनर बनाया था, पर ये क्या हुआ? वॉज दैट द टर्टल पोकेमॉन दैट द गाय इन दिस सिटी टोल्ड मी अबाउट? हाँ ये वही हो सकता है. ऑल राइट हियर गोस. ओ ये फिश फूड था ना. ओके क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? ओके अगर पकड़ सकते तो पहले तो सेव करूँगा मैं, क्योंकि भाई ये मैं जो सोच रहा था यूनोवा का पोकेमॉन, ये वो नहीं, ये तो कोई अलग ही फैन मेड पोकेमॉन लग रहा है. तो हाँ चलो इसको पकड़ने का ट्राई करते हैं. द विक्टर वेल इन्वेड द सफारी जोन. लेक टॉयस इट्स रियली एग्रेसिव. ओ डैम अच्छा लग रहा है ऐसे, थोड़ा स्कॉटल मतलब कि इवोल्यूशन का लग रहा है, बट स्टिल अच्छा है. और इस पर क्या मारूँ जिससे मरे ना? थंडरबोल्ट. ओके बहुत अच्छी हेल्थ पे आके रुका है, तो अब तो मैं बस पोकेबॉल ही फेंकूँगा. मेरे पास है तो पोकेबॉल काफ़ी अच्छी खासी, तो थोड़ा बहुत फेंक दूँगा, वेस्ट हो जाएगी, कुछ हो नहीं जाएगा. अरे भाई सही में कुछ ज़्यादा ही वेस्ट हो रहा है भाई, आ जा डूड. नहीं आ रहा ये लुकारियो क्यों बोल रहा हूँ मैं, स्नोलैक्स को मैं लुकारियो बोल रहा हूँ. ग्रेट बॉल ट्राई करते हैं, ग्रेट बॉल में तो आ ही जानी चाहिए भाई, कितना लेजेंडरी पोकेमॉन है क्या भाई ये? 30 लेवल है तब भी नहीं आ रहा डूड, आर यू सीरियस? क्या करूँ, लिक करूँ? लिक से आई डोंट थिंक ज़्यादा डैमेज होगा. एक और लिक और अब सही डैमेज है. एक ग्रेट बॉल नहीं, कैसे?
भाई कैसे ब्रो कैसे? अरे डाइव बॉल है ना हमारे पास, अ समवॉट डिफरेंट बॉल डैट वर्क स्पेशली वेल ऑन द पोकेमोन डीप इन द सी। नहीं ये तो सी में नहीं पकड़ रहे हम लोग। ओ शिट भाई ये आ ही नहीं रहा। नहीं गड़बड़ गड़बड़ है भाई गड़बड़। ये अपने अंडे को निकालते हैं और पोकेबॉल प्लीज यार एकदम। भाई आर यू सीरियस? ये आ ही नहीं रहा पोकेबॉल। क्या है भाई तू ब्रो? ओके मेरी पोकेबॉल खत्म। डाइव। ओ शिट ना भाई ना, ये आ ही नहीं रहा, ये आ ही नहीं रहा। ओके भाई मैं डाइव बॉल भी एक बार ट्राई करता हूँ। नहीं आया, मैं अभी सेव किया था ना, मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ एक सेकेंड। ओके भाई मैं फिर से आ गया और ये काफ़ी अजीब बंदा है भाई, आ ही नहीं रहा पकड़ में। सो दैट्स द टोटल पोकेमॉन दैट वेंट एक्सटिंक्ट आफ्टर द विक्ट्री बेल इनवेड द सफारी जोन। इट्स रियली अग्रेसिव। अगर इस बार नहीं आया ना तो मैं छोड़ रहा हूँ बस। ओके मैं नहीं पकड़ रहा अभी इसको। हो गया भाई मैं। सही है यार, क्यों ही पकड़ू ना इसको बेमतलब का। सो द विक्ट्री बेल आर वॉट कॉज दिस पोकेमॉन पॉपुलेशन टू ड्विडल इन द सफारी जोन। दिस वन जस्ट एट अ फुल्ली ग्रोन विक्ट्री बेल विथ नो स्ट्रगल एट ऑल। हाउ कुड अ विक्ट्री बेल नियरली कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ दिस पोकेमॉन? हाँ एक्चुअली उस एंड ऑफ एशियन टर्टल बोनस चैप्टर उसने बोला था कि विक्ट्री बेल ने इनकी मतलब ख़त्म कर दिया। पर कैसे ख़त्म करेगा वो? वो तो खुद ही एक अटैक में मर गया भाई, उसने खा लिया उसे। पता नहीं उससे बंदे से बात करूंगा मैं। अरे इधर तो जगह ही नहीं है फिलहाल। तो मुझे यार उसको पकड़ना था पर कोई ना यार। अब वैसे भी उस चोरी से कोई है तो नहीं लेना देना, पर अगर पकड़ लेता मज़ा आता। या तो क्या पता वो पोकेमोन ही ऐसा हो कि पकड़ ना सकते हो सकता है। नहीं तो मैं बेमतलब का पोकेबॉल डाल रहा था। अच्छा ये चलो नहीं पकड़ा है कोई ना फिलहाल। तो चलो अब हम लोग आ गए नीचे। और भाई आज की वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो गई है भाई, तो मैं सिंपली एंड करने वाला हूँ। और होपफुली तुम्हें ये लॉन्ग वीडियो अच्छी लगी होगी। एक सफारी जोन भाई बेस्ट था यार, आज का एपिसोड मज़ा आ गया यार लिटरली। तो गाइज अगर तुम्हें भी अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दो, 12 लाइक्स का टारगेट है। और सब्सक्राइब कर दो, हमें 1K करना है बस, हम लोग करीब ही हैं। बाकी मिलेंगे इस कमाल की अच्छी, तब तक के लिए गुड बाय।